श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये श्री स्वामी समर्थ। बहुत सारे भक्तगण कुरोपुर जाना चाहते हैं, लेकिन कुरोपुर के बारे में जानकारी न होने के कारण नहीं जा पाते। मेरे इस वीडियो में मैंने कुरोपुर यात्रा के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। मैप में हम पुणे से रायचूर और वहां से श्री विट्ठल बाबा आश्रम कुरोपुर का डायरेक्शन लगाएंगे। रायचूर में आप यहां होटल ले सकते हैं। दूसरे दिन सुबह रायचूर से मक्तल से होते हुए अन्नगोंडा रोड से विट्ठल बाबा आश्रम जाएंगे। हम पुणे से कुरोपुर अपनी गाड़ी रेनॉल्ट काइगर लेके गए थे। पहले दिन हम पुणे से रायचूर गए। रायचूर में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस हैं। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम रायचूर से कुरोपुर के लिए निकले। रास्ते में हमने एक छोटे से होटल में इडली डोसा खाया। यहाँ साउथ इंडियन नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। रास्ते पर जाते हुए आपको ये छोटे छोटे बोट्स दिखेंगे, जिनकी सहायता से आप विट्ठल बाबा आश्रम तक पहुंच पाएंगे। विट्ठल बाबा आश्रम में रहने की सुविधा है। यहाँ आपको रहने के लिए 350 रुपए में रूम्स या ज्यादा लोग हैं तो हॉल मिलता है। बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ दोपहर में प्रसाद मिलता है। इसी आश्रम के यहाँ से बोट लेके कृष्णा नदी की दूसरी ओर, जहाँ भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ का मंदिर है, वहां जा सकते हैं। ये सामने विट्ठल बाबा जी आश्रम है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत भव्य प्रांगण है। कुरोपुर का भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ का मंदिर बहुत प्राचीन और पवित्र स्थान है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सोवले या लुंगी पहनना होता है और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनना है। पुरुषों के ये वस्त्र मंदिर में भी मिलते हैं। वहां पर मिलने वाले वस्त्र वहां पहनकर दर्शन के बाद वहीं पर मंदिर में रखने होते हैं। श्री क्षेत्र कुरोपुर कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी के द्वीप पर बसा
एक तीर्थ स्थल है। श्रीपाद श्री वल्लभ इस स्थान पर 14 साल रहे। श्रीपाद श्री वल्लभ को दत्तात्रेय भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। 16 साल की उम्र में पिठापुरम छोड़कर वे कुरोपुर आए। कुरोपुर उनकी तपोभूमि गर्भभूमि है। यहाँ आने के लिए सही समय है नवंबर से मार्च तक। उसके बाद बहुत धूप होती है और फिर बारिश का मौसम जब आता है तो कृष्णा नदी भर जाती है। जाते वक्त आपको ऐसे द्वीप मिलेगा जहाँ पे आपको चल के आगे जाना है और फिर से दूसरी नाव में बैठ के आगे दूसरी ओर चले जाना है। मंदिर के अंदर जब दिए की धीमी रोशनी में श्रीपाद श्री वल्लभ भगवान की तेजस्वी मूर्ति देखते हैं तो लगता है जैसे वो सच में वहां बैठे हैं और हमसे संवाद कर रहे हैं। उस वक्त हम बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, इतने कि अचानक आंखों से आंसुओं की बरसात होती है। मंदिर के यहाँ 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ और गुफा है। मंदिर में काफी समय बिताने के बाद हम वापस विट्ठल बाबा आश्रम आए, प्रसाद ग्रहण किया और वहां से हम गंगापुर यात्रा पर निकल पड़े। गंगापुर कुरोपुर से 600 किलोमीटर दूर है। हम शाम को 6:30 बजे गंगापुर पहुंचे। यहां हमें एक होटल में 1500 रुपए में रूम मिल गए। यहां बहुत सारे होटल्स और भक्ति निवास हैं, जहां आपकी रहने की व्यवस्था हो जाती है। शाम को फ्रेश होने के बाद हम यहां के श्री नरसिंह सरस्वती महाराज मंदिर गए। इसे निर्गुण पादुका मंदिर भी कहते हैं। यहाँ शाम को पालकी निकलती है, जिसे देखने के लिए बहुत भीड़ होती है। पालकी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरे दिन सुबह फिर से हम भगवान श्री नरसिंह सरस्वती महाराज के दर्शन के लिए निर्गुण पादुका मंदिर गए। वहां से हम संगम दर्शन के लिए गए, जहां दो नदियों का संगम है, भीमा और अमरजा।
यहाँ बहुत सारे लोग स्नान के लिए आते हैं। संगम दर्शन के यहाँ एक बड़ा हॉल है जहाँ बीच में औदुम्बर का पेड़ है। वहाँ बैठकर लोग श्री गुरुचरित्र पारायण करते हैं। यहाँ पे दर्शन लेके हम आगे श्री स्वामी समर्थ महाराज दर्शन के लिए अक्कलकोट के लिए निकल गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।